जनपद जालौन में सरकार द्वारा भेजी गई बसों से कोटा से उरई पहुंचे छात्र। छात्रों के आने की सूचना पर मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी उरई। तो इन सभी छात्रों की जिला अस्पताल में कराई जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। सभी छात्रों को जिला प्रशासन के द्वारा नगर के एक होटल में किया जा रहा है क्वारंटीन। कल सभी छात्रों को उनके घर पर भेजकर घर पर ही किया जाएगा क्वारंटीन। क्या नाम है आपको? प्रगति सेंगर। कहाँ से आई हैं? कोटा से। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्रॉब्लम तो बहुत सारी हुई, कहीं पे बस में पेट्रोल नहीं डालने के लिए बोला गया और उसके लिए वेट करना पड़ा 2.5 घंटे। फिर आने के लिए कहीं कभी बोला गया जालौन में छोड़ा जाएगा, कभी कुशहरा में यहाँ कुठौन में छोड़ा जाएगा, आखिरकार उदय में छोड़ा गया। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ नहीं, पापा को यहाँ पे बुलाया गया और यहीं पे लेने आएंगे पापा। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हुआ? स्कैनिंग हुई 3 जगह, एक तो कोटा में और फिर यहाँ के बाद झांसी में, झांसी के बाद यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? सौम्या से। कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान से। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? कालपी। कालपी के हैं। अच्छा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। यहाँ पे क्या क्या हुआ आपके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट में? तो आप घर कैसे जाएंगे अब यहाँ से? अभी बोल रहे हैं कि छुड़वाएंगे। किस चीज़ से? पता नहीं। सैनिटाइज करवा। जालौन से UP24 न्यूज़ के लिए मनोज शिवहरे की रिपोर्ट।